गाइस हेलो, वेलकम बैक टू अनदर लाइफ ट्रेडिंग एंड लर्निंग वीडियो। आज निफ्टी एक्सपायरी का दिन, 45 क्वांटिटीज पहले हम लोग कॉल बाय कर लेते हैं, ठीक है। मैं इसका रीज़न लॉजिक पूरा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। अभी मुझे क्या लग रहा है, आज ब्रेकआउट पर मार्केट खेलने वाला है। मतलब समझिए बातों को कि ब्रेकआउट जैसे ही हुआ है मार्केट में, वैसे ही मार्केट में मैंने एंट्री किया है। आपको तो पता है मैं ब्रेकआउट्स पर एंट्री नहीं लेता हूँ, बट यार देखिए देखिए 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट भी दिख चुका है हमें। बट कल का जब चार्ट आप लोग देखेंगे ना, एक ऐसी ही कैंडल बनी है ग्रीन कलर में, फर्स्ट कैंडल 9:15 की, एंड जब डे हाई ब्रेक होता है उसके बाद में नीचे गिरता है, ठीक है मार्केट। एंड आप लोग देखेंगे ऐसा मार्केट करने नहीं वाला है। देखिए कल भी ऐसे ही गिरा था, तो आज यहाँ से गिरना पॉसिबल नहीं है। आज ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होने वाला है मेरे अकॉर्डिंग, एंड जिस हिसाब से डेटा भी बता रहे हैं, तो मार्केट को मतलब मैं बता सकता हूँ कि आज कॉल साइड ही जाने वाला है, ठीक है। अब ये मेरा एनालिसिस है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट बुलिश ही होने वाला है। देखिए यहाँ पर अगर बेरिश ट्रेड अगर आप खोजने की कोशिश करते हैं, देखिए मुझे मिल भी रहा है 45,300 की पुट साइड में। देखिए अगर 0.5 0.6 का हम लोग ड्रॉ भी करेंगे ना यहाँ पर 45,300 के पुट में, तो यहाँ पर एक 0.5 0.6 के आसपास, 308 के आसपास में हम लोग बाय कर सकते हैं पुट को। बट अभी क्या आपको सच में लगता है कि मार्केट ऐसा करने वाला है? मुझे तो लग रहा है मार्केट आज ऊपर ही ऊपर जाने वाला है। क्यों? क्योंकि देखिए साइकोलॉजी को समझिए, जब मार्केट में साइकोलॉजी हो जाती है कि पूरी बाइंग बाइंग बाइंग, तभी मार्केट में सेलिंग आती है। एंड जब मार्केट में पता लग जाता है लोगों को कि यहाँ पर सेलिंग आने वाली है, तो वहाँ पर अलर्ट हो जाइए, यहाँ पर बाइंग आने वाली है, ठीक है। यही लॉजिक के साथ हम लोग प्लान कर रहे हैं ट्रेड अपना। एंड प्लान का क्या ज़रूरत, यहाँ पर मैंने एंट्री कर लिया है, ठीक है। 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा एंड अराउंड अराउंड 50 to 60 पॉइंट का टारगेट रहेगा, ठीक है। अब देखिए जब यहाँ पर ऐसा आएगा तो मार्केट को फॉल तो देना नहीं चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत ना टेम्प्ट कर रहा है। अब टेम्प्ट यानी कैसे, देखिए ये कल के चार्ट में देख लीजिए आप। मैंने क्या बोला था आपको, फर्स्ट कैंडल ग्रीन के बाद डायरेक्टली डे हाई ब्रेक हुआ था कल। देखिए 45,740 की जो लेवल पे रिटे मतलब रेजिस्टेंस लिया है, उसके पहले मार्केट ने अपनी फर्स्ट कैंडल का डे हाई ब्रेक किया था एंड वहीं से सेलिंग आई थी। तो यार देखिए अब जैसे मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर तो सेलिंग आना नहीं चाहिए। मतलब देखिए और ऐसा अगर आज जाता है तो बहुत न्यूज़ भी है मार्केट में, FOMC वगैरह की जो न्यूजेस है मार्केट में, तो उसके वजह से भी जा सकता है। देखिए ऐसे केसेस में मैं तो साइकोलॉजी पर ट्रेड करना ही पसंद करता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ से तो आना चाहिए अपसाइड के लिए ब्रेकआउट। 0.5 0.6 पर भी है 45,100 की कॉल। एंड देखिए मार्केट यहाँ पर अभी क्या कर रहा है ना, यहाँ पर टेम्प्टिंग हो रहा है, मैंने जैसे बता दिया आपको 490 रुपीज़ का लॉस चल रहा है। कोई नहीं, आज क्या होगा ना, थोड़ा सा लॉस मेरा बड़ा हो सकता है अगर हो गया तो। 225 पॉइंट्स का टारगेट रखेंगे आज हम लोग ऊपर, और मैं आज एग्जिट नहीं करूँगा, ठीक है। जब तक के टारगेट मिलेगा नहीं तब तक के हम लोग एग्जिट करेंगे नहीं, क्योंकि मुझे तो पूरा भरोसा है मार्केट आज 45,450 तक के तो आना ही चाहिए यस्टरडे क्लोजिंग तक के। उसके पहले हम लोग अपनी ग्रीड को कम नहीं करेंगे, हम लोग होल्ड करेंगे पूरे टारगेट को। यहाँ पर बॉक्स बना लेता हूँ, ठीक है, एक इसको डिलीट। एंड अब देखिए, अब तक क्या आपने लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, ठीक है। अब पता नहीं, देखिए यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं 60 पॉइंट्स का हो रहा है, तो 60 पॉइंट्स मतलब 45 × 6 मतलब अराउंड 2700 2800 मतलब। सो अभी 45,100 की जो कॉल में मैंने जो एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए, अभी जा रहा नहीं है, बट माय स्टिल व्यू इज़ बुलिश। यहाँ से मार्केट को घूमना ही चाहिए ऊपर। देखिए यार यहाँ पर अब मैं क्या लग रहा है कि मैं सुपर बुलिश होना चाहता हूँ यहाँ पर, क्योंकि अगर यहाँ पर मार्केट ने अपनी साइकोलॉजी को मतलब ट्रेड करना चाहा ना, तो मार्केट में बहुत बड़ा फॉल पेंडिंग है, ठीक है, मतलब सॉरी बहुत बड़ा अपसाइड पेंडिंग है। तो यहाँ से अपसाइड अगर मार्केट निकलता है तो मार्केट को अच्छा होगा, मतलब नीचे आके उसको कोई फ़ायदा नहीं है मेरे अकॉर्डिंग मार्केट को।
यहाँ से ऊपर 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 डायरेक्ट 450 तक के आना चाहिए। अब देखते, आना तो चाहिए, मैं भी वेट कर रहा हूँ। थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा है, लॉस बड़ा हो जाएगा मेरा आज, ठीक है, नो इश्यूज़। एंड देखिए, ओ माय गॉड, 45,277 की लेवल देखिए, कल का डे लो, ठीक है, कल का डे लो। आज क्या रिएक्ट कर रहा है? एज अ रेजिस्टेंस। आज मार्केट गया, यहीं पर एम पैटर्न भी बनाया। अब यहाँ से ही मार्केट को ऊपर जाना चाहिए ही चाहिए। मार्केट अगर यहाँ से भी हमारा स्टॉप लॉस लेता है तो छोड़ दीजिए, मार्केट आज अपने लिए था ही नहीं। एंड लॉस होगा तो मतलब मैं इतना लॉस तो लेता नहीं हूँ। देखिए अभी इस जिस पॉइंट पर है ना, अभी 40 पॉइंट्स हो चुके हैं एस एल के, तो 1800 2000, तो मतलब 3000 तक के लॉस हो जाएगा आज। एनीवेज, यहाँ से टारगेट हिट हुआ तो बहुत बड़ा टारगेट भी मिल जाएगा, ठीक है। अब ये जो रेजिस्टेंस है, मार्केट अगर ये रेजिस्टेंस पर अगर खेलना चाह रहा है तो एम पैटर्न बना रहा है। एंड कल भी देखिए, चलो कल के चार्ट पर देख लीजिए, एम पैटर्न बनाया, यहीं पर मैंने कल एग्जिट किया था। मुझे लग रहा था मार्केट यहाँ से घूमेगा, बट इसने डे लो ब्रेक किया अपना। आज क्या हो रहा है देखिए, एम पैटर्न बनाया, यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, नहीं नीचे जाना चाहिए, ऐसा सबको लग रहा है। मेरा एक्सपेक्टेशन है कल जो नहीं हुआ वो आज होगा, ठीक है। अब लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि डर तो मुझे भी लग रहा है यहाँ पर। एंड जो भी होता है साथ में रहेंगे हम लोग, ठीक है। एंड एस एल नहीं हिट होना चाहिए यार, देखिए एस एल हो कुछ भी हो, बट आप लोग प्लीज़ इंश्योर करिए, लाइक सब्सक्राइब कर लिया आपने। देखिए मैं बहुत मतलब रॉ कंटेंट देता हूँ यार आपको। मैं नहीं चाहता कि मतलब मुझे जो लर्निंग नहीं मिली मेरे बिगिनिंग फेज़ में, मुझे जो लाइव ट्रेडिंग वीडियोस मैं चाहता था 1 मिनट टाइम फ्रेम में यार कोई नहीं करके दिखाता, ठीक है। लाइव ट्रेडिंग वीडियोस ऐसे मतलब फेस कैम के साथ, मुझे एक रॉ वीडियो आपकी तरफ लाना है कि जिससे इमोशंस पर कंट्रोल कैसे लाए। बहुत बार क्या होता है, जब मैं फेस कैम अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके साथ, तो ऐसा होता है ना कि हो माय गॉड, यहाँ पर तो एस एल के पास में ही आ चुका है। पता नहीं एस एल क्यों लेना चाह रहा है। शिट, एस एल भी हिट हो गया। चलो 3000 के अराउंड में लॉस बुक कर लिया है मैंने। देखिए आज एस एल के लिए मुझे स्विंग नहीं मिल रही थी, तो इसीलिए देखिए 3000 मतलब 2800 3000 ही पकड़ लीजिए इसको, 3000 के अराउंड में लॉस बुक किया है मैंने। अब देखिए, अब ये लॉस जो हुआ है, अब ऐसा तो नहीं है हम लोग रिकवर कर नहीं सकते, रिकवर कर लेंगे, 2-3 दिन टाइम लग सकता है हमें, बट आपको यहाँ पर घबराना नहीं है, ठीक है। जो भी होगा देखा जाएगा, हम लोग 2-3 दिन और लाइव ट्रेड वीडियोस तो मैं रेगुलरली कर ही रहा हूँ, इस सीरीज़ को कंप्लीट करना है, 50,000 कैपिटल टू 1 लाख। और जो भी होता है रिजल्ट यार, देखिए PNL का वीडियो भी अगर मैं सोच रहा हूँ कि मतलब 50 to 50,000 हो चुके हैं, जब हो जाएंगे मेरे 1 लाख तभी मैं शेयर करूँगा। या तो आप बताइए, आपको अभी PNL देखना है तो मैं दिखा दूँगा। जब से हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट किया, आज 33 डे है शायद, 33rd डे, तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करने को रेडी हूँ। बट अभी क्या है, बहुत लोगों का क्या साइकोलॉजी हो सकता है कि यहाँ पर ओवर ट्रेड करे कुछ करे, बट ऐसा सब कुछ करना नहीं है, ठीक है। हम लोग कल देखेंगे, आज के लिए इतना ही, कोई ट्रेडिंग पर अफेक्ट नहीं करना है, मेंटली स्ट्रांग रहना है। चलो मिलते कल एक नई एनर्जी के साथ, ठीक है, आज।